रायपुरा घाटी पर मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 27 से अधिक मजदूर हुए घायल, 4 की हालत गंभीर। छतरपुर किशनगढ़ देवरा बिजावर मार्ग पर रायपुरा घाटी पर मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में वाहन में सवार 25 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रविवार दोपहर की है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मतीपुरा से मजदूरों से लेकर पिकअप वाहन उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर जा रहा था। घाटी पर टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना पर किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को किशनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर गायब होने से घायलों को प्राथमिक उपचार यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि किशनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को बिजावर में निवास अलॉट किया गया, जिस कारण से डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं रुकते। घटना की जानकारी मिलते ही किशनगढ़ थाना पुलिस ने आनन फानन में निजी वाहनों से घायलों को तहसील मुख्यालय बिजावर भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद दर्जन भर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर अभी घटना हुई है, 2 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ है पिकअप से, अलावा 25-30 लोग घायल हैं। सुनने में आया, भगवान करे ऐसा ना हो कि 3-4 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, जैसे अस्पताल में आया तो अस्पताल में यहाँ स्टाफ के नाम पर एक नर्स केवल है, 21 लोगों का स्टाफ है। शासन 21 लोगों को उनकी तनख्वाह दे रही है, लेकिन अस्पताल में मौजूद समय में एक भी स्टाफ नहीं है और सभी लोग यहाँ बिजावर छतरपुर में कमरा लेकर रह रहे हैं। यह अस्पताल खोलने का मतलब क्या है शासन का? लाखों रुपए शासन अस्पताल में लगाए हैं, लाखों रुपए उनकी तनख्वाह दे रही है, लेकिन स्टाफ नहीं है। 3-4 लोगों की जहाँ अभी मौत हो गई है, 20-25 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह पिकअप में भर के छतरपुर रेफर करना पड़ा है। यदि यहाँ स्टाफ होता तो यहाँ उनका इलाज होता, हो सकता 2-4 लोगों की मौत बच जाती, नहीं हो पाती। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अस्पतालों को तो बंद कर देना चाहिए। क्यों शासन का फिर पैसे बर्बाद हो रहा है? क्या हो गया आज? आज वो लेबर जा रही थी मूंगफली पटाने के लिए, सो वो पिकअप पलट गई। पिकअप में कौन था? मतीपुरा के लोग थे। आप कौन हैं उनके? हमारे परिवार की ही हैं, वो ग्राम की हैं, गांव की। कितने लोगों को चोटें आई हैं? अब लमसम 10-25 लोगों को तो होगी, 25-30 लोगों को। मामूली चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं? गंभीर चोटें हैं। तो हॉस्पिटल नहीं आए आप किशनगढ़? नहीं, हॉस्पिटल हम अभी लेट आए घर से, हॉस्पिटल पहले एडमिट हमको मिली नहीं, इधर से रवाना हो गई। क्या समस्या है आप लोगों को? हमारे यहाँ भाई साहब इसके पहले कई मरीज आए, आज पूरी पिकअप पलट गई, जिसमें कम से कम 15-20 आदमी लगभग खून से, कोई भी यहाँ पर सिर्फ चपरासी के अलावा एक भी डॉक्टर नहीं है। पूरे क्षेत्र में यही शोषण हो रहा है, इसके ऊपर ना कोई सुनाई हो रही है, ना कोई स्टाफ आता है, ना कोई सुन रहा है। नहीं, आप क्या यहाँ किशनगढ़ में ओनली एक डॉक्टर पदस्थ है, वो यहाँ रहते हैं? कोई भी आदमी नहीं रहता, डॉक्टर जितने हैं एक भी डॉक्टर। इसके पहले एक पट्टी भी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, 2-3 का। मैं आपका क्या समस्या है? समस्या जो है कि 12 बजे रात के एक एक्सीडेंट हो गया, तो हमें तो आए थे अस्पताल में तो कोई भी ना था। हमने कहा पट्टी अट्टी कर दो, कहीं नहीं हो पाने, एक जरा नर्स आती है, नाम भी नहीं है उनको, ध्यान बता रही थी, हम नहीं कर पाएंगे। आज क्या हुआ है? आप आज बताइए आज क्या हुआ है? अरे आज की बता ना, आज हमारे राजगौण है हम, लेकिन 70 आदमी पलट गई, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वो तो कम से कम सही होते थे। यहाँ क्या डॉक्टर साहब? रायपुर के घाटी के पास जो है एक कोई वाहन पलट गया है, उसमें से लगभग 28-30% देसी बिजावर लाए गए हैं, जिसमें से 10-15% को जो है ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया है और एक पेशेंट की मृत्यु हुई। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।